नमस्कार दोस्तों, मैं एक इंडिया से शुभम। आज मैं आपको बताना चाहूंगा भारत की शान, रॉयल एनफील्ड का इतिहास और कुछ रोचक तथ्य। और मेरा ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के आज का ये वीडियो। आज लाखों युवा की पसंदीदा बाइक रॉयल एनफील्ड है, लेकिन लाखों में शायद 10 को भी रॉयल एनफील्ड का इतिहास नहीं पता होगा। और हाँ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रॉयल एनफील्ड एक काफी बड़ा ब्रांड है और आज के समय में हर किसी की चाहत बन चुका है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या किसी की चाहत बनने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत पड़ती है या नहीं? मुझे पता है कि हर इंसान का यही कहना होगा, हाँ किसी की चाहत बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं कि कितनी बड़ी मशक्कत के बाद आज रॉयल एनफील्ड का नाम मार्केट में छाया हुआ है। रॉयल एनफील्ड कंपनी की शुरुआत सबसे पहले एक साइकिल निर्माता कंपनी के मालिक ने भारतीय व्यापारी के साथ मिलकर की थी। उस वक्त उस कंपनी का नाम पेरिस साइकिल कंपनी थी। इस कंपनी की शुरुआत एल्बर्ट ने अपने दोस्त डब्लू के साथ मिलकर 1890 में की थी। कुछ समय बाद एल्बर्ट लंदन गए और वहाँ उन्होंने एक जगह का नाम सुना एनफील्ड, और इसी आधार पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पेरिस साइकिल कंपनी से बदलकर एनफील्ड मैन्युफैक्चर लिमिटेड रख दिया। भारत में एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग सन 1949 में ही आ गई थी, लेकिन 1955 में इस कंपनी का नाम बाजार में जाना गया। सन 1994 में आयशा ग्रुप ने रॉयल एनफील्ड का अधिग्रहण कर लिया और फिर इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थापित हुआ। शुरुआती दौरों में रॉयल एनफील्ड रूस की सरकार के लिए काम किया करती थी। वो रूस की सरकार को बाइक बनाकर देती थी। इस कंपनी के शुरुआती दिनों में इसको हथियार बनाने वाली कंपनी के रूप में शुरू किया गया था और इसने बाजार में रॉयल राइफल बना के उतारा। फिर जब रॉयल ने अपनी बुलेट को बाजार में उतारा तब उसने बुलेट का एक उपनाम दिया, तोफ की तरह दिखने वाली, गोली की तरह चलने वाली, और इसका साइन भी तोफ की भांति ही रखा। फिर भारत सरकार ने 1964 में बॉर्डर और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जवानों के लिए रॉयल एनफील्ड की बुलेट को मुहैया कराया। रॉयल एनफील्ड कंपनी की हर मोटरसाइकिल की तेल की टंकी चेन्नई के दो कलाकारों के द्वारा उनके हाथों से पेंट की जाती है। रूस की सरकार के लिए काम करने के बाद रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक ब्रिटेन में भी भेजी। यदि ब्रिटेन से लेकर भारत तक के पूरे उत्पादन को जोड़ा जाए तो रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है जो अभी भी उत्पादन कर रही है। बुलेट 350 सीसी की सबसे लंबे समय तक चलने वाला मोटरसाइकिल का मॉडल है। सन 1955 से इसने अपनी पकड़ बाजार में बनाई हुई है। 350 सीसी की सफलता को देखते हुए रॉयल एनफील्ड ने बाजार में 400 सीसी की बुलेट भी निकाली, जो कि बाजार में आज भी अपना धाक जमाए बैठी है। क्या आप जानते हैं, भारत में रॉयल एनफील्ड ही एकमात्र सबसे पहली ऐसी कंपनी थी जिसने फोर स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया और टू व्हीलर में डिस्क ब्रेक डालने की शुरुआत भी रॉयल एनफील्ड ने ही की थी। और दोस्तों, रॉयल एनफील्ड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में बुलेट सप्लाई करती है। आज भारत में बुलेट की डिमांड बढ़ चुकी है और ताज्जुब की बात यह है कि जिस देश ने इसकी शुरुआत की थी वहाँ बुलेट का उत्पाद बिल्कुल बंद है। रॉयल एनफील्ड जितनी देखने में और चलने में दमदार है उतनी ही इसकी आवाज़ भी दमदार है, और फिर यह अपनी आवाज़ के लिए भी जानी जाती है। शुरुआती दौरों में रॉयल एनफील्ड सिर्फ काले रंग में आती थी, लेकिन अभी यह बाजार में कई रंगों में मिलती है। पहले यह बुलेट सिर्फ भारत के जवानों के पास देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह भारत की युवा की पहली पसंद बन चुकी है। यह जान के आपको ताज्जुब होगा, लेकिन यह सच है कि यदि सन 2001 में किसी व्यक्ति ने 55,000 रुपए की बुलेट की जगह आयशर विभाग के शेयर में इतना पैसा लगाया होता तो आज वो 85 करोड़ का मालिक होता। मैं बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों, एक समय था जब रॉयल एनफील्ड कंपनी बंद होने की कगार पर थी, और आज एक समय यह है कि करोड़ों युवाओं की दिल की धड़कन बन चुका है। यह बात तो आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने अपने सपने पूरे करने में कसर छोड़ दी तो शायद कोई और आपको अपने पूरे सपने करने में जोड़ देगा। जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपको ही लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।